भागलपुर के जीरो माइल स्थित रेशम भवन प्रांगण में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं की ऋण स्वीकृति एवं वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी ने कई उद्यमियों को PMEGP PMFME संबंधी ऋण की स्वीकृति पत्र का वितरण किया एवं कई उद्यमियों को डिस्पर्सल लेटर भी दिया गया। साथ ही PMEGP में 179.02 लाख रुपए की स्वीकृति राशि एवं PMFME में 112.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। वही जिला पदाधिकारी ने इस बैठक में उद्यमियों को उद्यम बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला में अधिकांश सामान अगर भागलपुर के उद्यमियों द्वारा निर्मित हो तो भागलपुर के साथ साथ बिहार का भी विकास बढ़ेगा। मौके पर सहायक उद्योग निदेशक, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक जीविका सहित जिला उद्योग केंद्र के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। MSME डे है, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए आज दिवस हम लोग मनाए हैं। आज रेशम भवन में इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एवं PMFME के जितने भी हमारे लाभार्थी थे उन लोगों को ऋण वितरण भी किया गया है। इस ऋण वितरण में हमारे विभिन्न बैंक का काफ़ी सहयोग रहा है। साथ ही हम इस टीम में सहायक निदेशक जो राज्य स्तर से आए हैं और हमारे GM DIC एवं उनके पूरे टीम का काफ़ी मेहनत अभी दिख रहा था। मैं समस्त उद्यमियों को आज शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और साथ उनसे एक ही चीज़ कहता हूं कि आप उद्यम करें और संभावनाएं अनंत हैं। अपनी संभावनाओं को तलाशें और अच्छा मेहनत करें, अच्छा अर्न करें, लोगों को रोज़गार दें। आगामी श्रावणी मेला को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ रेलवे ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मालदा जोन के DRM विकास कुमार चौबे ने आज सुल्तानगंज स्टेशन के साथ भागलपुर जंक्शन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए DRM विकास कुमार चौबे ने कहा कि इस बार श्रावणी मेला में आए हुए श्रद्धालुओं को रेलवे के द्वारा किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है और इस बार सुल्तानगंज में अमृत स्टेशन योजना के तहत जो कार्य हो रहा है उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही DRM ने कहा कि इस बार रेलवे के द्वारा श्रावणी मेले में कई विशेष ट्रेन भी चलाई जाएंगी। वही RPF के साथ स्थानीय जिला प्रशासन की भी तैनाती दिखेगी। इस क्षेत्र में ट्रेन की मांग निरंतर है और ट्रेनों के लिए रखरखाव की व्यवस्था सबसे अनिवार्य चीज़ है और मैं वही चीज़ का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि एडिशनल जो वॉशिंग लाइन का कार्य जो चल रहा है, जिसमें कि हम अतिरिक्त गाड़ियाँ अगर हमको चलानी है तो उसको रखरखाव करना होगा ना, क्योंकि सुविधाओं के साथ चलाना है, उनको सेफ्टी के साथ चलाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो कार्य हमारा चल रहा है, स्लो चल रहा है। इसमें WPO इस कार्य को कर रहा है पटना, और उसने ये कॉन्ट्रैक्ट HYT नाम की एक फर्म को दे रखा है। तो HYT के लोग, उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई हुई है, हर प्रकार से उनके ऊपर दबाव है और प्रति सप्ताह मैं समझ रहा हूँ कि पेनल्टी उनके ऊपर लग रही है। तो ये काम उनको बहुत तेज़ी से करना है। सर, ये माने सेकेंडरी मेंटेनेंस के लिए तैयार हो जाएगा? नहीं, सेकेंडरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल सेकेंडरी मेंटेनेंस 4 घंटे के लिए होती है उसी स्थान पर सेकेंडरी मेंटेनेंस 6 घंटे के लिए होती है। तो हमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए पहल करते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अश्विनी चौबे ने कहा कि जब नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार हो सकता है तो ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्यों नहीं। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आग्रह किया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया जाए ताकि जो खंडर में तब्दील हो गया है उसे पुनर्जीवित किया जा सके। भागलपुर में महज 12 कट्ठे जमीन के लिए दो पक्षों में मारपीट की घटना देखने को मिली। दरअसल 26 जून की सुबह सूरज यादव अपने मित्र दिलीप के साथ किसी निजी कार्य से अपने घर पर्वती से सजौर जा रहे थे। इसी क्रम में रास्ते में विपक्षी छोटू यादव, कढ़ाई यादव और नरेंद्र यादव ने मिलकर सूरज यादव
की पिटाई कर दी। मारपीट के बाद छोटू यादव ने उसे जबरन स्कॉर्पियो में बैठा लिया। सूरज यादव ने बताया कि उनका निजी जमीन 12 कट्टे का है, जिस पर विपक्षी कब्जा करना चाहता है। जमीन का उनके पास हाईकोर्ट का फैसला भी है, इसके बावजूद आए दिन लगातार उनके साथ विपक्षी लोग मारपीट करते हैं। इसी को लेकर सूरज ने जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन भी दिया है। सजौर गए थे अपने कुछ निजी काम से, सजौर से लौट रहे थे। सजौर से लौटने के क्रम में राधानगर से पहले और सजौर के बीच में कन्हा यादव, छोटू यादव और उसके साथ 4-5 व्यक्ति और थे, 3 बाइक से वो लोग थे। तो हमने सामना हुआ, उसके बाद वो मार्केट तरफ चला गया, हम अपना घर की तरफ आने लगे। 2-3 किलोमीटर के बाद अचानक पीछे से आके पीछे से मेरा शर्ट खींचा, फिर गाली गलौज करते हुए मतलब रुका। तो उसके बाद फिर हम गाड़ी रपेट के अपना भागे तो कुछ दूर पे जाके स्कॉर्पियो आ गया, जिसके कारण हम अनबैलेंस हो गए। तो वो लोग मेरा पीछा कर ही रहे, आगे जाके वो गाड़ी तीनों लगा के रोक दी। रोकने के बाद तुरंत मारने पीटने लगे। उतने देर में वो फोर व्हीलर मारा, फोर व्हीलर में घींच के हमको बैठाने लगे। कन्हैया छुटवा, कन्हैया बोले छुटवा वगैरह लेके चल, आज एक मारिए। कहाँ लेके जा रहे थे? वो लेके अपने मौसी के घर तरफ जा रहे थे। क्यों आपके साथ मारपीट कर रहा था वो, क्या कारण है इसके पीछे? वो कारण है कि हमारा जमीन, वो कहते हैं कि मेरा जमीन, जिसमें कि कोर्ट हमको जजमेंट दिया है ऑलरेडी कि आपका जमीन। कितना जमीन? जमीन 12 कट्टे। अच्छा, इसके कारण पिछले बार भी विवाद हुआ था, बार भी जो राजदीप राजा के साथ भी हुए थे यही हुए, इसी जमीन के कारण वो मारे थे मेरे साथ भी। मतलब जबरन कब्जा करना चाह रहे, जान से मारने हमेशा धमकी हमको, मेरे परिवार को। तो इस मामले में तो कन्हैया आरोपी भी है ना? जी, कन्हैया आरोपी है, उसका भाई नरेंद्र आरोपी है। आरोप के बाद भी नरेंद्र जो है ड्यूटी कर रहा है टीएनवी कॉलेज में, प्रशासन को नहीं दिख रहा है। अच्छा, प्रशासन को नहीं दिख रहा, वहाँ उसको बोलिए तो आपका कन्हैया छुट्टा घूम रहा। तो बलात्कारी है, बलात्कार करके पूर्व में जेल भी गया है। अच्छा, छोटवा आजकल नया मतलब वो है, आजकल बाबा बनने का कोशिश कर रहा है। यानी आपको अब डर लगने लगा है? से मारने का डर है मुझे, बस प्रशासन से ही कह रहे हैं कि मेरा कुछ किया जाए, सुरक्षा हमको प्रदान किया जाए। आज एसपी साहब से मिलने के लिए आए, आवेदन लेकर। क्या मांग करेंगे उनसे? उनसे मांग करेंगे उचित कार्रवाई हो और मेरे सुरक्षा के लिए वो कुछ करें। भागलपुर एनसीसी बटालियन की लगभग 550 छात्रा ट्रेनिंग के लिए ट्रेन के द्वारा बरौनी रवाना हुई। छात्राओं के लिए यह स्पेशल कैंप 10 दिवसीय होगा। इसको लेकर गर्ल्स बटालियन की कमांडेंट सीमा ने बताया कि बिहार के 15 जिला की छात्रा इस ट्रेनिंग में शामिल होने जा रहे हैं, जहां पर छात्रा को बेहतर करने के लिए यह ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग के बाद बेहतर छात्राओं का चयन किया जाएगा। एनसीसी के बच्चे अभी कहाँ जा रहे हैं? एनसीसी के बच्चे CATC 3 कैंप भरौनी जा रहे हैं, जो 27 जून से 6 जुलाई तक लगना है। इसमें बिहार के 15 डिस्ट्रिक्ट जो भागलपुर ग्रुप के अंदर आते हैं, उसके 550 बच्चे आ रहे हैं, जिसमें हम लोग PSC का प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन करेंगे और नॉर्मल CATC भी करेंगे।